शालोम, आज हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। यूनानी मजहबी फलसफे में एक बात कही जाती है कि जिसके पास आसमान की बादशाही है, उसके पास सारे जहां की बादशाही है। मसीहियत में जब आसमान की बादशाही का लफ्ज बोला जाता है या हमारे सामने आता है, तो हम इसके बारे में फौरन से समझ आते हैं कि ये हमारे खालिक की हकीकी यानी एदोनाई खुदा की बात हो रही है। आसमान की बादशाही की इस्तलाह या अल्फाज नए अहदनामे में इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन तसव्वुर या खुदा की बादशाही की समझ बूझ तो पूरे कलाम का खासा है। मुकदस मत्ती के 13वें बाब में यीशु आसमान की बादशाही के बारे में अपने शागिर्दों को समझाते हैं। तमसीलें असल में सादा कहानियां होती हैं जिनमें अखलाकी या रूहानी असबाक मौजूद होते हैं। यीशु इस 13वें बाब में इन सादा कहानियों के जरिए आसमान की बड़ी बड़ी सच्चाइयां बताते और समझाते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले वो एक बीज बोने वाले की तमसील बताते हैं, जिसमें बीज बोने वाला खुदा का खादिम है और चार किस्म की जमीनें, चार किस्म के लोग या दिल हैं जिनको कलाम सुनाया जाता है, जिनमें कलाम का बीज बोया जाता है। ये तमसील बताती है कि खुदा का कलाम सबके लिए यकसा है, उसको हासिल करने का मौका सबके पास होता है, लेकिन हर एक अच्छी जमीन साबित नहीं हो पाता। फिर इसमें एक सच्चाई और सबक ये भी पोशीदा है कि अच्छी जमीन कुली तौर पर अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि उसमें भी तीन इकसाम मौजूद हैं, यानी वो जो 100 गुना फल लाते हैं, दूसरे जो 60 गुना और फिर तीसरे वो जो 30 गुना फल लाते हैं। लिहाजा हर एक अपने मकदूर के मुताबिक खुदा के साथ चलता है। क्योंकि अजीजों, याद रखें, हम इसलिए अच्छे नहीं कि हम अच्छे अमल करते हैं, बल्कि हम इसलिए अच्छे होते हैं कि खुदा हमें अच्छा बनने का फर्ज बख्शता है। हमें फक्त उसके कलाम और उसकी सच्चाई से चिमटे रहना है और शैतान को हमारे दिलों से कलाम को मिटाने का मौका नहीं देना। फिर जिंदगी की फिक्रों, दुखों को कलाम पर हावी नहीं होने देना, और ये कि कलाम को अपने दिलों में गहराई से कबूल करना है। इन तमाम बातों पर आज हमें अमल करने की जरूरत है, जिसके बाद हम अच्छी जमीन साबित हो जाएंगे। अजीजो, फिर यीशु ने आसमान की बादशाही की वजाहत उस आदमी से की जिसने अपने खेत में गेहूं की काश्त की, लेकिन दुश्मन ने कड़वे दाने भी उस काश्त में शामिल कर दिए, जिसका ये मतलब है कि आज हमारे इर्द गिर्द दुनिया में बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन हमें इनके खात्मे के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये खत्म नहीं होंगी, बल्कि हमें इन बुराइयों से बचने की दुआ करने की जरूरत है। जैसे हम हर रोज यीशु की सिखाई हुई दुआ में कहते हैं कि हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। ये तमसीलें हमें दिखाती हैं कि यीशु की हदायत है कि उसके आगे सर तस्लीम खम कर दें, क्योंकि उसके बगैर हम में हमेशा की जिंदगी नहीं है, वरना हम हमेशा के लिए खुदा से मुकम्मल जुदाई और बर्बादी में डाल दिए जाएंगे। हमें उसकी सच्चाई की पैरवी करने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हमें उसकी सच्चाई की पैरवी करने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है, क्योंकि खुदा की बादशाही में जो शामिल है वही खुदा का बेटा है। फिर इसको हासिल करने के लिए चाहे जितनी मर्जी कीमत भी देनी पड़े, हमें जरा भर भी देर नहीं करनी और खुदा की बादशाही को फौरन हासिल कर लेना चाहिए। आज सोचिए कि आपके लिए क्या जरूरी है, खुदा की बादशाही या ये दुनिया। आज आप खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं। आज आपके पास ये मौका है, फैसला आपने करना है।
थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और इन सवालों इन बातों पर सोच विचार कीजिए और अपना फैसला खुदावंद को सुनाइए। वो आपका फैसला जानना और सुनना चाहता है। याद रखिए, वो हर रोज आपके लिए बाहें खोले खड़ा है, फक्त आपको उसको हाँ कहना है। और मैं दुआगो हूं कि खुदावंद आपको इल्म और हिकमत से मामूर करे ताकि आप एक अच्छा फैसला दे सके और आपका आज का दिन भी मुबारक और बाबरकत ठहरे। आमीन। सलामत रहे।